रानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखत सारंग प्राणी आवत देखत सारंग प्राणी विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखत सारंग प्राणी आवत देखत सारंग प्राणी भोजन कहाँ जिम वावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना। भगवान ने विदुर जी को इशारा किया, विदुर जी हम आपके घर आ रहे हैं। विदुर जी दौड़े दौड़े घर में गए, कहने लग गए सुनो सुनो आज कन्हैया जी आ रहे हैं, घर में कुछ है कि नहीं? विदुरानी ने कहा कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। विदुर जी कहने लग गए तुम व्यवस्था बनाओ, मैं जा रहा हूँ बाजार और बाजार से सुंदर पेड़े प्रसाद माखन मिश्री लेकर के आ रहा हूँ। विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखत सारंग प्राणी। विदुर जी बाजार चले गए और विदुरानी जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हैं, भगवान आएंगे भगवान आएंगे भगवान आएंगे, दरवाजे बंद हैं। भगवान ने गेट खटखटाया, दौड़ी दौड़ी विदुरानी गई, दरवाजा खोला तो देखा भगवान खड़े हैं दरवाजे। अब विदुरानी समझ ही नहीं पा रही भगवान को अंदर आने बोले कि क्या बोले, गेट खोल के ही आ गई। भगवान ने कहा क्यों काकी, अंदर आने नहीं कहोगे क्या? विदुरानी ने जैसे ही कहा, भगवान ने जैसे ही कहा, विदुरानी कहने लग गई अरे मैं तो भूल गई, आओ आओ कन्हैया आप ही का तो घर है, आइए पधारिए। और भगवान को बैठने के लिए उल्टे पीढ़े का आसन दे दिया। और भगवान भी कितने कौतुकी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान भी उल्टे पीढ़े के आसन ही पर बैठ गए और कहने लग गए काकी द्वारिका से आया हूँ, बड़े जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाइए। विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नाही रहो है, कदली फल ले आओ ना आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। भगवान को कहने लग गई कन्हैया कुछ नहीं है, भगवान ने कहा कुछ तो कहने लग गए केले का फल है। भगवान ने कहा जो भी हो काकी वो ले आओ, बड़ी तेज की भूख लगी। दुर्योधन ने तो चाय पानी भी नहीं पूछा। एक बात और, भोजन किसके यहां करना चाहिए ये भगवान बता रहे हैं। धन होना श्रेष्ठ है, धन होना श्रेष्ठ है, लेकिन धन होते हुए शांति होना परम श्रेष्ठ है। दुर्योधन के पास धन तो है लेकिन शांति, और ऐसे घर में भोजन करने वाला महात्मा भी अशांत ही रहेगा। कहाँ चले गए भगवान? भगवान पहुंच गए, कहने लगे कदली फल ले आओ। और क्या खा रहे हैं भगवान? कदली कदली
दूर गिराया हूँ, कदली कदली दूर गिराया हूँ, छिलका का प्रभु भोग लगाया हूँ, छिलका का प्रभु भोग लगाया हूँ, बड़े प्रेम से खाओ ना आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। कदली मतलब केले, केले का फल लाई और छिलका छिलका छील करके कदली फेंकने लग गई। ध्यान ही नहीं भगवान को भोग काहे का लग रहा है, छिलका खिलाने। और भगवान भी कौतुकी हैं, क्यों? प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई मेरे मोहन, 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 भूल गए रे ठकुराई मेरे मोहन, भूल गए रे ठकुराई मेरे मोहन। भगवान प्रेम के बस अर्जुन के रथ हांकते हैं और भगवान प्रेम के कारण विदुरानी के हाथ का छिलका खा रहे हैं और विदुरानी केले फेंकते चली जा रही हैं, छिलका भगवान खाते जा रहे हैं। इतने माही विदुर जी आवे, इतने माही विदुर जी आवे, विदुरानी में रोस दिखावे, विदुरानी में रोस दिखावे, घर की लाज बचाओ ना आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुरानी छिलका खिला रही, विदुर जी आ गए, देख रहे केले का ढेर लगते जा रहा है और छिलका भगवान खाते चले जा रहे हैं। विदुर जी आए और विदुरानी को किनारे ले गए, ये क्या कर रही हो, जो भगवान 56 भोग लगाते हैं उनको छिलका खिला रही, वो भी केले का, आम का छिलका सहित खिलाती तो बात समझ में आता, सेब छिलका सहित खिलाती तो बात, केला, केले का छिलका और केला सही तो होता तो बात, तुम तो केला फेंक रही हो छिलका खिला रही। भगवान क्या सोचेंगे कि विदुरानी इतनी चालू, केला अपने लिए रख रही छिलका हमको खिला रही, पूरे घर की लाज परंपरा को तुमने दाव दाव कर दिया, बेकार कर दिया, शर्मानी चाहिए तुमको, रोष दिखाया क्रोध दिखाया। और भगवान जो भोग लेकर के आए हैं वह भगवान विदुर जी भगवान को खिलाने लग गए। कदली लीन विदुर हाथ माही, कदली लीन विदुर हाथ माही, कदली मतलब भगवान के हाथ से केले का प्रसाद ले लिया। कदली लीन विदुर हाथ माही, कदली लीन विदुर हाथ माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। गिरी मतलब मिष्ठान, मीठे चीज भगवान, गिरी देत गिरधर मुख माही। और भगवान कहने लग गए, वो स्वाद नहीं आओ ना
आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए 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 विदुर घर पावना। भगवान विदुर जी जैसे ही हाथ में कदली लेकर के भगवान को मिष्ठान खिलाने लग गए, भगवान कहने लगे, विदुर जी जो छिलके में आनंद था वह मिठाई पर नहीं है, जो स्वाद वो स्वाद नहीं आना, वो स्वाद नहीं आ रहा है। इसलिए स्वाद किसमें है, मसाले और लहसुन प्याज में नहीं है, स्वाद तो प्रेम में है। हम लोग लहसुन प्याज में ही स्वाद खोजने लग गए, स्वाद लहसुन प्याज में, चटोरे बनते चले जा रहे हैं, चाटते चले जा रहे हैं। कभी प्रेम से भोजन बनाइए और प्रेम से पाइए। आज एक बड़ी बात कह देता हूं, कथा हो रही है, क्योंकि हमको यही 3 घंटा है, जिसको जितना कहना कह दो, उसके बाद तो आप ही लोग हमको कहते हो। इसलिए 21 घंटे आप कहो हमको और हम 21 घंटे का मट्टी पले 3 ही घंटे में कर देंगे। भोजन घर में बनाइए पूर्ण पवित्रता के साथ, क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं और अगले जन्म में यही मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बनते हैं। क्या तपस्या की? करई आहार साक फल कंदा, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आप घर में भोजन बनाइए, एक ही घर में 2 रसोई पर अलग अलग एक ही भोजन बनाइए। एक भोजन बनाइए खूब गुस्सा करके और एक भोजन बनाइए खूब प्रेम के साथ। एक ही घर में 2 रसोई पर 2 प्रकार का भोजन बनाइए, एक क्रोध से और एक प्रेम से। और क्रोध वाला भोजन पाइए और प्रेम वाला भोजन भगवान को भोग लगाइए, उसमें तुलसी का पत्र डालिए और उस भोजन को खाइए। निसंदेह कलई ट्राई कर लेना, दोनों भोजन के स्वाद में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। इसीलिए आप समस्त सभी लोग माताएं ज्यादा हैं, एक कर्म करना शुरू कर दें, घर में भोजन प्रेम से बनाएं। अब समस्या यही है कि खाना बहु बनाए और बर्तन सासू अम्मा धोए और उसी में बाता बाती हो गई तो भगोना वहीं रसोई में डेढ़ टना टन पट्टी रहती है। अब कह तो सकती नहीं और फिर टनाटन पटकेंगी, फिर वही पटकने वाला भाव से भोजन बनेगा और वही भोजन फिर खाएंगे और फिर रात को पति देव को टनाटन पटकेंगे। लोग कहते हैं महात्मा जी क्रोध कैसे शांत किया जाए, सबसे पहले भोजन क्रोध मुक्त बनाइए।
सबसे पहले भोजन क्रोध मुक्त। ये बात बिल्कुल सत्य कहा गया, जैसा खाएं अन्य वैसा होए मन, सत्य है। 7 दिन की कथा आप सुन रहे हैं तो भोजन की शुद्धता की बात इसलिए कही गई कि भोजन शुद्ध रहेगा तो मन स्थिर होगा। मन की स्थिरता के लिए भी भोजन शुद्ध होना जरूरी है, इसलिए भोजन की और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान की प्रकृति में लहसुन प्याज भी भगवान ने ही बनाया, किंतु वह तामसी भोजन है, तामस भाव को लाएगा, और भगवान की कथा तामस भाव को प्रेरित नहीं करती, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, इसीलिए मना किया गया, और कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तो भोजन क्रोध को शांत करने का सबसे पहला उपाय, भोजन बड़े प्रेम से बनाइए, और नहीं हो तो आजकल टेप रिकॉर्डर आता है, बढ़िया जो है टेप रिकॉर्डर लाइए, उसमें भगवान का भजन बजते रहे, बजते बजते गाते जाइए और भोजन बनाते जाइए। मोबाइल है, मोबाइल में भजन सुनते जाइए और खाना बनाते जाइए। अब समस्या है मॉडर्न जमाने की तो पत्नियां हैं, तो भजन तो सुनेंगी नहीं। फिल्मी गाना सुनेंगे, जमाना मॉडल है, तो कम से कम भोजन बनाने का क्रम शुद्ध हो जाए। और देखो भगवान बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो राजा परीक्षित, भगवान तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, जो 56 भोग का त्याग करके विदुर के घर में छिलका खाते हैं। जिस विदुर ने भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा तप नियम नहीं किया, एक ही काम किया, विदुर जी ने भगवान के लिए निर्मलता रखा, पवित्रता रखा, सरलता रखा। भगवान की भक्ति का बड़ा माध्यम सरलता है। दिखावे वाले लोग के पास भगवान नहीं रहते, बात अलग है, कलयुग है, चमत्कार को नमस्कार, किंतु उनके पास भगवान नहीं है, उनके पास चमत्कार ही चमत्कार है। जनता मूर्ख है, उनको नमस्कार कर रही है, सो कलयुग है, नमस्कार करेगी। कहने लग गए, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो जाते जाते भगवान ने उद्धव जी का स्मरण किया। कल कथा बता रहे थे ना, अर्जुन गए तो भगवान स्वधाम को प्रस्थान कर चुके थे, यहां से कथा अब आरंभ हो रही है। भगवान जब धराधाम को जा रहे थे तो भगवान के समक्ष श्री उद्धव जी महाराज खड़े थे। उद्धव जी को भगवान ने कहा, सुनो उद्धव जी, आप काका विदुर के पास जाइए, क्योंकि मैंने सबका उद्धार कर दिया, सबके ऊपर उपकार कर दिया, एक ही जन बचे हुए हैं, वह काका विदुर हैं। आप काका विदुर के पास जाइए और काका विदुर को कहिए कि वह श्री मैत्रेय मुनि के पास जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। श्री मैत्रेय मुनि के पास जाकर के भागवत की कथा का अध्ययन करें, श्रवण करें। भगवान स्वयं भागवत स्वरूप में परिवर्तित हो गए। उद्धव जी काका विदुर के पास गए और काका विदुर को कहने लगे, विदुर जी, जाते जाते भगवान ने आपका स्मरण किया। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए कि भगवान इतना प्रेम करते हैं जो अंतिम समय में भी मुझे स्मरण किए। मरते मरते आदमी दो ही लोगों को याद करता है, एक जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन और दूसरा जीवन में जिसे सबसे ज्यादा चाहता है। सो भगवान के दुश्मन तो विदुर जी नहीं है। तात्पर्य, भगवान सदा सर्वदा अपने भक्त को ही चाहते हैं। गीता में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है,
हे अर्जुन, जिस प्रकार मुझे मेरा भक्त पूजता है, जिस प्रकार मेरा भक्त मेरी याद में तड़पता है, उसी प्रकार मैं अपने भक्त की याद में भक्त के लिए तड़पते रहता हूँ। भक्त जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उस भाव से भक्त के पास जाता हूँ। इसका बड़ा प्रमाण मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का देता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजकुमार हैं, लेकिन सबरी से मिलने के लिए भगवान फकीर बन के चले गए, राजपाट का त्याग करके। क्यों? चूंकि सबरी गरीब है, कुलीन है। सबरी गरीब है, सबरी कुलीन है, केवट कुलीन है, गरीब है, इसलिए भगवान अयोध्या का राजपाट छोड़ करके केवट और सबरी से मिलने गए। कई कई की तो मति सरस्वती के माध्यम से भगवान ने ही फिरवाई। कई कई दोषी नहीं थी, लेकिन भगवान किसी को माध्यम बनाते हैं। इसीलिए भगवान ने श्री उद्धव जी को माध्यम बनाया। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। जाते जाते भगवान ने मुझे स्मरण किया। भगवान बड़े दयालु हैं। उद्धव जी ने विदुर जी के मन में भगवान की कथा श्रवण करने की अभिलाषा जगाई, भगवान की महिमा का गायन किया, भगवान की बाल लीलाओं का गायन किया। विदुर जी कहने लगे, मुझे भगवान की संपूर्ण कथा सुनाइए। उद्धव जी ने बड़े सुंदर बात कही, कहने लगे, विदुर जी, भगवान की कथा सुनाने का अधिकारी या तो संत को है या फिर ब्राह्मण को है। ना ही मैं संत हूँ और ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए भगवान ने मैत्रेय मुनि के लिए कहा है, आप श्री मैत्रेय मुनि के पास जाइए, आप श्री मैत्रेय मुनि के पास जाइए, श्री मैत्रेय मुनि ही आपको कथा सुनाएंगे। और भगवान श्री मैत्रेय मुनि के पास श्री विदुर जी गए और मैत्रेय मुनि के पास प्रणाम किया। श्री मैत्रेय मुनि को प्रणाम करके विदुर जी प्रश्न करने लग गए, क्या कि भगवान का स्वरूप क्या है, और भगवान यदि निराकार हैं तो साकार कैसे बन गए, साकार परमात्मा को क्या आवश्यकता बनी कि भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी, और सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि के आरंभ में कौन हुआ, सृष्टि के आरंभ में जो हुआ, सृष्टि के आरंभ में जो आया, वह किस प्रकार सृष्टि का पालन किया, और सृष्टि का पालन किन किन प्रकार से हुआ, और हमारे श्री ठाकुर जी किन किन रूपों में अवतरित हुए, यह संपूर्ण कथा मुझे बताइए, श्रेष्ठ करके मुझे वह सब कथा बताइए, जब जब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर आए। श्री मैत्रेय मुनि कहने लग गए, सुनो विदुर जी, भगवान निर्गुण निराकार रूप है, और भगवान श्री निर्गुण निराकार परब्रह्म को जब लीला करनी रहती है तो वही भगवान निर्गुण निराकार परब्रह्म से भगवान सगुण साकार रूप धारण करते हैं। वह निराकार भगवान को जब देखने की कामना होती है तो उनके शरीर से नेत्र, वही भगवान निर्गुण निराकार को जब चलने की कामना होती है तो उस निराकार शरीर से पैर, हिलने डोलने की क्रिया होती है तो उनके हाथ, मस्तक, और इच्छानुसार भगवान विराट रूप धारण करते हैं। उसी विराट के नाभि से कमल और कमल के मध्य में श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। कमल के मध्य में श्री ब्रह्मा जी आए। श्री ब्रह्मा जी ने अपना जन्म का पता लगाने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मेरा जन्म कैसे हुआ। मैं कमल पर ब्रह्मा जी की जब आंख खुली तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने आप को कमल के मध्य पाया। श्री ब्रह्मा जी अपने आप को कमल के मध्य में देखे, और कमल के मध्य में श्री ब्रह्मा जी ने देखा
तो ब्रह्मा जी ने निश्चय किया मैं इस कमल के अंदर जाऊं और कमल के अंदर जा करके मैं हर प्रकार से यह पता लगाऊं मेरा जन्मदाता कौन है, मुझे जन्म देने वाला कौन है। कहते हैं श्री ब्रह्मा जी जल के भीतर चलते गए चलते गए चलते गए। श्री ब्रह्मा जी वह कमल के डंडे के भीतर जाते गए जाते गए जाते गए, किंतु कमल का अंतिम छोर नहीं पाए। ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया, ब्रह्मा जी आप तप करें। तब ब्रह्मा जी ने अपनी आयु का सव दिव्य वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी की आयु कम मत समझना, ब्रह्मा जी की आयु पता कितने साल की है? ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की। कितने साल की? तो आप लोगों की आयु कितने साल की? आप लोगों की आयु भी 100 साल की। इसलिए वेद में एक मंत्र आता है जीवेम शरदशतम श्रृणयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम मदीनास्याम शरदशतम भूयश्च शरदशता। वेद में एक मंत्र आया, भगवान ने कहा मनुष्य की आयु 100 वर्ष, आंख कान नाक जीव ये सब भगवान ने कलयुग में 100 वर्ष तक निर्धारित किया। इसलिए जीवेम शरदशतम, शरदशतम सत मतलब 100, जीवेम शरदशतम जीव 100 वर्ष तक के लिए। और ब्रह्मा जी कितने साल के लिए? ब्रह्मा भी 100 वर्ष, किंतु अंतर इतना है कि ब्रह्मा की काल गणना और हमारी काल गणना अलग है। हमारी काल गणना ब्रह्मा की काल गणना, हमारा 1 वर्ष और ब्रह्मा जी का 1 सेकंड ही होता है, समझ लो। नियमतः तो हमारा 1 वर्ष श्री ब्रह्मा जी का 1 दिन के बराबर भी नहीं है, 1 घंटा। ऐसे करके ब्रह्मा जी के 24 घंटे में 1 दिन, और फिर ऐसे करते करते ब्रह्मा जी का 1 सप्ताह, फिर 1 पक्ष, फिर 1 मास और फिर 1 वर्ष। ये क्रिया है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 13 प्रकार के 13 बार इंद्र परिवर्तित होते हैं। 4 युग हैं, 4 युग का 4 युग भगवान ने निर्धारित किए, और इन 4 युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर अभी वर्तमान का युग जो है वो कलयुग। भगवान ने ये 4 युग, सतयुग को भगवान ने बनाया 17,28,000 वर्ष का। ध्यान देकर सुनिए, सतयुग 17,28,000 वर्ष का, इसमें एक मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष तक की होती थी और अधिकतम 10,000 संतानें होती थी। कितनी? 10,000। रामायण सगर के 60,000 पुत्र थे। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग से पुत्र नहीं होता था, संकल्पम पुत्रम प्राप्ति, केवल संकल्प से ही पुत्र हो जाते थे। दूसरा युग आया त्रेता युग, त्रेता युग की आयु हो गई 12,96,000 वर्ष की, और 12,96,000 वर्ष की यह त्रेता युग की आयु में मनुष्यों की अधिकतम आयु 10,000 वर्ष और संतान अधिकतम 1,000। संतान अधिकतम 1,000। उसके पश्चात आया द्वापर, द्वापर में द्वापर की आयु हुई 8,64,000 वर्ष, इसमें मनुष्यों की आयु हो गई 1,000 वर्ष और अधिकतम संतान 100।
कौरव कितने थे? 100 थे। फिर आया कलयुग, 4,32,000 वर्ष, मनुष्यों की आयु 100 वर्ष और अधिकतम संतान 10, और 10 में बस। लेकिन अब तो भैया हम दो, हमारे दो, वो भी हो या ना हो, तो ये भी तो देखो अधिकतम 10 में कितनों के 2 ही हैं, कितनों के 1 ही हैं। अपवाद तो सब ही है। तो ऐसे करके इन 4 युग में 1 इंद्र और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 13 इंद्र, सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष, इन चारों युग को मिला करके एक चतुर्युग, एक चतुर्युग में 1 इंद्र और ऐसे करके ब्रह्मा जी के 1 दिन में 13 इंद्र और ऐसे करके ब्रह्मा जी का 30 दिन, फिर 1 वर्ष और ऐसे करते करते आज ब्रह्मा जी 51 वर्ष पहले दिन के हो गए हैं। ठीक है, अभी ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? 51 वर्ष पहलवा और पहला घंटा। आप मर के चले जाओगे, ब्रह्मा जी का ये घंटा चलते ही रहेगा। ब्रह्मा जी का यह बड़ा सिद्धांत, काल गणना करना आसान नहीं है। भागवत में काल गणना की व्याख्या की गई है। 4-5 अध्याय तो केवल काल गणना के बराबर है। सूर्य की जो किरणें आती और सूर्य की किरणों में जो छोटे 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 धूल दिखाई देते हैं, उन धूलों से काल गणना की गई है। इतनी सरल नहीं है भारतीय काल गणना। तो श्री ब्रह्मा जी ने अपनी आयु के 100 दिव्य वर्ष तक तप किया और तप करने के बाद श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोक के भागवत का ज्ञान भगवान श्री विष्णु नारायण जी ने दिया। वह विराट ने भगवान को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि सत्व गुण की कर दी, दूसरी सृष्टि अहंकार की बनाई, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवी सृष्टि सप्त विद्या अहंकार की, छठी अविद्या, सातवीं वैकृत, आठवीं पशु पक्षियों की, नवीं भगवान ने मनुष्यों की और 10वीं देवता पितर गंधर्व यक्षों की सृष्टि बनाई। 10 प्रकार के श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। श्री ब्रह्मा जी 10 प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए भी प्रसन्न नहीं हुए, क्रम नहीं चला। श्री ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को जन्म दिया, कहने लगे आप सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाएं, तो सनत कुमारों ने कहा हम तो भगवान भक्त हैं, भगवान का भजन ही करेंगे। नारद जी आए, नारद जी प्रकट हुए, नारद जी कहने लग गए हम तो भैया केवल महात्मा हैं, भगवान का भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी जिनको प्रकट करते जाते वह सभी लोग कहीं ना कहीं निष्फल हो जाते। राक्षसों को प्रकट किया, भागवत कहता है कि राक्षस प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि बनाओ, तो राक्षस केवल अपने जैसे ही सृष्टि बनाने लग गए। राक्षस ही राक्षस और अनेक राक्षस होने के बाद जब उन्हें भोजन की चिंता हुई तो वे लोग ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। श्री ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण किया, तब जाकर के श्री ब्रह्मा जी ने, कहते हैं श्री ब्रह्मा जी ने किन्नरों की सृष्टि आरंभ की, स्त्री पुरुष के परस्पर एक रूप में। तब किन्नरों ने केवल किन्नरों की सृष्टि,
किन्नरों की सृष्टि। शिव पुराण में कथा आती है भगवान का शिव का श्राप है ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को श्राप है। भगवान शिव ने कहा था स्त्री पुरुष की सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी का स्त्री पुरुष कैसा होता है, तो भगवान शिव ने अर्ध नारी और अर्ध पुरुष का दर्शन कराया, ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुष। तो ब्रह्मा जी ने सोचा आधी स्त्री आधा पुरुष, तो क्या बना दिया, किन्नर बना दिया। ऐसी कथा शिव पुराण में आती है। अंतिम में भगवान का चिंतन किया और भगवान का चिंतन करके श्री ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट कर दिया और मनु शत्रुपा को कहा आप परस्पर स्त्री पुरुष के स्पर्श संयोग से आप सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाएं। मनु शत्रुपा ने कहा धरती तो दिखाई नहीं देती, कहाँ है धरती, धरती का तो पता ही नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने नेत्र को बंद किया, जब नेत्र खोला तो कहने लग गए धरती तो प्रलय कालीन जल पे विद्यमान है और उस जल से निकालेगा कौन। यह चिंतन श्री ब्रह्मा जी कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से एक कीट जैसा छोटा सा तिनका निकला, देखते देखते बड़ा रूप धारण कर लिया, वह और कोई नहीं भगवान विष्णु वराह अवतार के रूप में प्रकट हो गए। बोले वराह अवतार की जय। भगवान विष्णु वराह अवतार के रूप में प्रकट किए, प्रलय कालीन जल में भगवान प्रवेश हो गए, प्रवेश कर गए। उस जल में एक राक्षस रहता था, क्या नाम था, हिरणाक्ष नाम था। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु दो भाई थे, पूर्व जन्म में जय और विजय थे। जय विजय नाम के हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु के यह दोनों भाई जय विजय भगवान विष्णु नारायण के पार्षद थे। सनत कुमारों का जब जन्म हुआ तो सनत कुमार वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करने गए तो जय विजय ने भगवान के दर्शन करने से रोक दिया, जय विजय ने रोक दिया। अब होता क्या है, कोई बड़ा सेठ हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो उसके घर का नौकर भी अपने आप को मालिक ही समझता है, गलत कह नहीं। कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो उसका ड्राइवर अपने आप को उद्योगपति से कम थोड़ी ना समझता। छोटी से उदाहरण ले लो, विधायक का ड्राइवर, विधायक नहीं हो बैठा रहे, ड्राइवर यदि किसी को ठोक ठाक दे, कोई पुलिस वाला हाँ तो बोल दे, तो जानते हो किसकी गाड़ी है, कौन हूं मैं, पता है विधायक का ड्राइवर हूं, है कुछ नहीं लेकिन अकड़ है। जय विजय को क्रोध आया, जय विजय ने सनत कुमारों को जाने से मना किया, थोड़ी नोक झोंक हो गई, जय विजय को सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भगवान के पार्षद बनने योग्य नहीं हो। भगवान तो निर्मल है, भगवान पवित्र है, भगवान पावन है, भगवान कृपालु, भगवान दयालु हैं और तुम इस प्रकार का पाप कर्म कर रहे हो, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अतिशीघ्र मृत्यु लोक पे चले जाओगे। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट होकर कहने लग गए जय विजय कृपया करके इन्हें श्राप से मुक्त कीजिए, जय विजयों को श्राप से मुक्त कीजिए। सनत कुमार कहने लग गए ब्राह्मणा का वचन मिथ्या नहीं होता है, ऊपर से हम ब्राह्मण सन्यासी हैं, साधु हैं, इसलिए यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। एक उपाय कर सकते हैं, इस वचन में आशीर्वाद जोड़ा जा सकता है, क्या पाप किया है, इस पाप को भोगने के लिए इन्हें 3 बार राक्षस योनि में जाना होगा और प्रभु आपको इनके जीवन का उद्धार करने के लिए धरती लोक पर जाना होगा और आपके हाथों से मरने के कारण ये शुद्ध हो जाएंगे और पुनः आपके स्वधाम में आकर के जय विजय के रूप में
शोभमान हो जाएंगे, पुनः शोभमान हो जाएंगे। यही जय विजय पहली योनि में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु बना। हिरणाक्ष नाम का यह राक्षस जल में पृथ्वी को लिए घूम रहा था। भगवान वराह अवतार का रूप धारण करके जल में जब प्रवेश किए, भगवान ने ललकारा। हिरणाक्ष ने कहा, मेरे जितना बलशाली कोई नहीं, चूंकि दूसरा कोई दिखता ही नहीं था वहां, होगा तब तो। भगवान ने एक जोर का गदा प्रहार किया और हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया, पृथ्वी को मुक्त कर दिया और पृथ्वी को ला करके मनु शत्रुपा को दे दिया। श्री ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मनु शत्रुपा संतति क्रम को आगे बढ़ाने लग गए। तीन कन्याएं हुई मनु शत्रुपा की। प्रथम ध्यान देकर कथा को श्रवण कीजिए, इन कथाओं को थोड़ी संक्षिप्त में आगे ले चल रहे हैं। तीन कन्याएं मनु शत्रुपा की हुई। पहली कन्या का नाम आकुति, दूसरी कन्या का नाम प्रसूति और तीसरी कन्या का नाम देवहूति पड़ा। आकुति नाम के कन्या का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे दो प्रकार के पुत्र हुए, एक यज्ञ और दूसरा दान। यज्ञ और दान नामक पुत्र आकुति और रुचि नाम के प्रजापति के ही संतान हैं। क्योंकि अब सृष्टि क्रम आगे बढ़ाना है तो यज्ञ और दान विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए यज्ञ और दान नामक पुत्र हुए। दूसरी कन्या देवहूति। श्री देवहूति का विवाह भगवान श्री करदम के साथ हो गया। करदम ऋषि भगवान के परम तपस्वी थे, करदम ऋषि भगवान के भक्त थे और श्री करदम ऋषि भगवान का भजन करने गए। जंगल में तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट हो करके कहने लगे, करदम आप जाइए और गृहस्थ जीवन को अपनाइए। श्री करदम ऋषि ने कहा, प्रभु मैं गृहस्थ जीवन में नहीं जाऊंगा। क्यों? कहने लग गए, चूंकि गृहस्थ जीवन में जाने में सबसे बड़ी समस्या है कि धर्म पत्नी ही नहीं मिलती है। हमारी बात को सुनने वाला कौन होगा, हम ठहरे महात्मा। भगवान ने कहा, हमने सारी व्यवस्था बना दी है, मनु की पुत्री देवहूति का आपसे विवाह होगा। करदम ने कहा, एक ही शर्त पर जाएंगे। क्या? प्रथम संतान होते ही, प्रथम पुत्र होते ही हम घर को छोड़ देंगे। भगवान ने कहा, तथास्तु। पहला पुत्र, कहने लगे रुकिए सुनिए तो पूरी बात, पहला पुत्र होगा, पहले पुत्र में आप ही को आना होगा। भगवान ने कहा, ठीक है, पहली संतान के रूप में मैं आऊंगा। श्री करदम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति माता को पता चला, माता देवहूति बड़ी दुखी हुई। माता देवहूति ने अपनी माता को कहा, शत्रुपा माता को कहा, मां मेरा विवाह तो गलत पुरुष के साथ हो गया, पुत्र होते ही ग्रह को त्याग करके पति चल जाएंगे तो गृहस्थ जीवन कैसे रहेगा। माता शत्रुपा ने कहा, देवहूति तुम चिंता क्यों करती हो, उन्होंने प्रथम पुत्र का कहा है, प्रथम कन्या का वरदान नहीं मांगा है, इसलिए प्रथम पुत्र ही मत करना। तुम प्रतिव्रता धर्म को निभाओ और जैसे ही गर्भ धारण करना तुम स्वयं जगदम्बा का ध्यान कर लेना। देवहूति और करदम से पहली संतान कन्या हुई। पहली कन्या, दूसरी कन्या, तीसरी कन्या, चौथी कन्या, पांचवी कन्या, छठी कन्या, सातवीं कन्या, आठवीं कन्या और नौ कन्याएं हुई। नौ प्रकार, नौ कन्या, और उन नौ कन्या में सभी श्रेष्ठ कन्याओं में सर्वश्रेष्ठ कन्या माता अनुसुईया। ये अरुंधति आदि सभी इन्हीं की संतानें, और माता अनुसुईया कोई साधारण नहीं, यही माता अनुसुईया हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को दुधमुहा बालक बना दिया।
अन्यत्र वह कथा आती है, अन्य अन्य पुराणों में माता अनुसुईया की कथा है। शिव पुराण में आती है, आंशिक रूप में श्री रामचरितमानस में कथा आती है। माता अनुसुईया जैसे दसवीं संतान का योग बना, श्री करदम ऋषि ने भगवान नारायण का ध्यान किया, माता देवहूति ने भगवान नारायण का ध्यान किया, और स्वयं भगवान नारायण देवहूति और करदम के परस्पर संयोग से स्वयं भगवान से जगन्नाथ भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल देव भगवान की। भगवान श्री कपिल देव प्रकट हुए और भगवान कपिल देव के प्रकट होते ही करदम ऋषि घर को छोड़ करके चल पड़े। कपिल देव ने सांख्य दर्शन की रचना की। माता दुखी हुई तो माता को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। इन्हीं कपिल देव मुनि का आश्रम गंगा सागर में है। कल कथा आएगी कपिल देव जी के आश्रम की, जहां गंगा को लाने के लिए सगर के 60,000 पुत्रों का भस्म से गंगा जो मुक्त करेंगी सगर के पुत्रों की, वहां श्री कपिल देव जी की कल कथा आप सब श्रवण करना। भगवान श्री कपिल देव जी ने माता देवहूति को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, माता देवहूति भी गृहस्थ जीवन से मुक्त हो गई। तीसरी मनु शत्रुपा की पुत्री प्रसूति और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। श्री दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं और 60 कन्या में एक कन्या माता सती हुई। कामदेव की पत्नी जो रति है वह भी दक्ष की ही पुत्री है। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और दक्ष और शिव का प्रतिशोध चला, जिसके कारण दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सभी इस कथा को भली भांति जानते हैं। सती गई और सती ने शिव का अपमान सुना तो वहीं प्राणों का अंत कर दिया। सती मरत हर शन वरु मांगा, जती मरत हर शन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती मरते मरते एक ही वरदान मांग करके गई, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गृह गृह जाए, तेहि कारण हिम गृह गृह जाए, जन्मि पार्वती तनु पाए, जन्मि पार्वती तनु पाए। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं ना, पार्वती इन कारण से आपकी मृत्यु हुई और आप पार्वती बनके हमारे बगल में बैठे हो। पार्वती कहने लग गई तो भगवान की और आगे की कथा बताइए। और यह सब कथा श्री मैत्रेय मुनि किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को। और यह सारी कथा राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। कहने लग गए अब सुनो आगे का क्रम। मनु शत्रुपा के दो पुत्र भी हुए, एक का नाम हुआ प्रियव्रत और दूसरे का नाम हुआ उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा हुए और प्रियव्रत का धारण किया। राज्य परिवार की इच्छा नहीं हुई, गृहस्थ जीवन में जाने की कामना नहीं हुई, सो प्रियव्रत जंगल में भगवान की तपस्या करने लगे। उत्तानपाद राजा हुए और श्री उत्तानपाद राजा ने एक विवाह किया। उस विवाह जिन कन्या के साथ किया उस स्त्री का नाम सुनीति पड़ा। क्या नाम पड़ा?
सु शब्द हटा दो तो पीछे का क्या शब्द है, और नीति हम में किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। नीति किसी को अच्छी नहीं है, नीति है कथा बैठ करके सुनिए लेकिन नींद आए तो सीढ़ी चढ़ के कमरे में जाकर सोइए। नीति चूंकि सोना रुचि है, सोना रुचि है, और नीति कथा सुनने के विषय को रुचि कहा। अब कोई सो नहीं रहा है, हम तो कह रहे हैं कल कोई सोया होगा। शीशम देख रहे हैं, चिंता ना करो। हम जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर कह ही रहे हैं, देख रहे हैं तभी कह रहे हैं। अब नाम ले ले तो भैया शाम में रोटी कम मिल जाएगी ना, इसीलिए नाम लेना उचित नहीं है। अब बैठे हैं सब, हमको देख रहे हैं, हम सबको देख, हम तो सो सकते नहीं। और लोग सोचते हैं मौका पाकर थोड़ी झपकी ले लें, थोड़ा साइड हटके ले लें, लेकिन हम तो समझ जाते साइडों हट रहा है तो आंख कहाँ है, हम तो नजर, साधु की नजर बहुत तेज होती है और साधु का कान बहुत पक्का होता है। कान और नजर साधु की बहुत पक्की होती भैया। उत्तान पाद ने विवाह किया, उस पत्नी का नाम सुनीति हुआ और सुनीति सुंदर नहीं हुई। सुनो भोलू कथा, सुनीति सुंदर नहीं हुई और सुंदर ना होने के कारण सुनीति से प्रेम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेम तो सुंदर स्त्री के साथ होगा। सो सुनीति का त्याग कर दिया, जंगल में रहने लग गई सुनीति, और सुनीति का एक पुत्र हो गया, उसका नाम पड़ा ध्रुव। नीति अटल होती है, नीति पक्की होती है, नीति डगमगाती नहीं। जैसे कोई डॉक्टर के पास गए, कहने लगे डॉक्टर साहब थोड़ा शुगर टेस्ट कीजिए। अब डॉक्टर के पास शुगर टेस्ट किया, डॉक्टर ने कहा देखो भाई साहब आपको शुगर हो गया है, तो क्या करें? तो डॉक्टर साहब ने कहा शुगर हो गया है तो आप चावल न खाया करें, आप आलू न खाया करें, आप चीनी न खाया करें, आप चाय में चीनी न लिया करें, आप पेठा मिठाई न खाया करें, आप ज़्यादा तेल मसाला न खाया करें। अब आदमी इतना सुन लिया तो मन में सोचता इतना चीज़ नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? तो फिर क्या पूछते हैं, क्यों डॉक्टर साहब कभी कभी चावल नहीं चलेगा क्या? तो डॉक्टर कहेगा चलो कभी कभी। तो कहते लिख दो, कहे हमारी पत्नी जो है ना वो सुपर्णखा से कम तो है नहीं, तो लिखवा लिया। डॉक्टर लिख दिया कभी कभी चावल। तो कहे डॉक्टर साहब जैसे कभी कभी सार्वजनिक रूप में चाय बन गई तो चीनी वाला? डॉक्टर ने कहा कभी कभी चीनी वाला। फिर क्या डॉक्टर जैसे पार्टी वार्टी में गए तो गाजर का हलवा? ठीक है कभी कभी गाजर का। तो डॉक्टर साहब जैसे कभी कभी आलू की सब्जी बन जाए आलू का पराठा? ठीक आलू का पराठा। फिर क्या डॉक्टर साहब कभी कभी? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें जो मन करे सो खाओ, वह हमारी खोपड़िया ना खाओ। तो आदमी अपनी रुचि मनवाने के लिए कई बार बाध्य करता है। नीति तो अटल है, इसलिए नीति का पुत्र ध्रुव हो गया, त्याग दिया।
और दूसरा विवाह कर लिया, उस स्त्री का नाम हुआ सुरुचि। सुरुचि से एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा उत्तम। उत्तम है, अच्छा है, इसलिए रुचि है। लेकिन ध्यान रखना, उत्तम चीज, रुचिकर चीज ही हमें सदा सर्वदा कष्ट ही देगी। ध्रुव चीज, नीति युक्त कार्य हमें कष्ट नहीं देगी। वो एक बार एक लोग कहते हैं, हमें सुना लोग कहते हैं इस बात को, है ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो ये रुचि और नीति का हाल यही है, रुचि वाला आदमी रोए बार बार और नीति वाला रोए एक बार। भोलू चले गए ने भोलू के लिए कह रहा था कि रुचि वाली पत्नी यदि लाओगे तो बार बार, और नीति वाली पत्नी लाओगे तो एक बार। ध्रुव हुए, एक बार की बात है, ध्रुव का मन हुआ पिता के महल में जाने का। ध्रुव अपने पिता के महल पर गए, पिता की गोद में उत्तम खेल रहे थे, माता सुरुचि बैठी हुई थी। पिता की गोद में प्रेम पूर्वक जाकर के बैठने का निश्चय किए। माता सुरुचि ने हाथ पकड़ के झटक के नीचे उतार दिया, नहीं नहीं, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। 5 वर्ष का ध्रुव, मां आपके गर्भ से जन्म कैसे होगा, यह सब मुझे नहीं पता, जन्म देने वाला भगवान है, जाओ भगवान के पास और भगवान को कहो मुझे तुझे मेरे गर्भ से जन्म देगा, तभी तुम पिता की गोद में खेल सकते हो, पिता के सिंहासन पे रह सकते हो। बेचारा ध्रुव को झटक के नीचे फेंक दिया। रोता रोता ध्रुव अपनी माँ के पास गया, माता सुनीति के पास। क्यों माँ? बड़ी माँ तो कह रही थी कि आपके गर्भ से, उनके गर्भ से जब मेरा जन्म होगा तभी जाकर के मैं पिता के पास खेल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, जा सकता हूँ, और उनके गर्भ से जन्म लेने के लिए हमको भगवान को कहना होगा। माता सुनीति ने कहा, देखो सबके विधाता भगवान ही है, और भगवान की यदि प्रेरणा दी तो ये कोई गलत प्रेरणा नहीं है। ध्रुव को बात अटक गई, लग गई मन में, और 5 वर्ष का ध्रुव घर को छोड़ करके जंगल भागने लगा। माता सुनीति ने रोका, अरे बालक सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ध्रुव ने कोई बात नहीं सुनी, जंगल में चले गए, और जंगल में जाते जाते ध्रुव ने ना तो भगवान की महिमा सुनी, ना भगवान को देखा। अब ना जिसने भगवान की महिमा सुनी ना भगवान को देखा, वह तो भगवान के बारे में पूछेगा, कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, कैसे है भगवान, किधर है भगवान, कहाँ मिलेंगे भगवान। और एक बात, जिज्ञासा भी भक्त के मन में भक्ति बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम है, इसलिए भक्त के मन में जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जिज्ञासा, नॉलेज के लिए जिज्ञासा। विद्यार्थी यदि स्कूल में, विद्यालय पर पूछेगा नहीं तो नॉलेज नहीं होगा। इसलिए ध्रुव भटकने लग गया और घूम घूम कर पूछने लग गया, आप भगवान हैं, आपने भगवान को देखा? पक्षियों से पूछता, लताओं से पूछता, पताओं से पूछता, कंदराओं, पेड़ पौधे, नदियों से पूछता, आप भगवान, आपने भगवान को देखा। और जिज्ञासा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी। कामना क्या था? राजा बनो। लेकिन जिज्ञासा अब हो गई, भगवान देखना है, भगवान से मिलना है, कौन है भगवान, कौन है भगवान, कौन है। और जब जिज्ञासा प्रबल हो जाती है तो जीवन में खुद ब खुद गुरु का आगमन हो जाता है। गुरु को लाना नहीं पड़ता है, गुरु स्वयं आते हैं। और भगवान ने नारद जी को भेज दिया, नारद जी जाइए। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रिय होते हुए क्रोध में हो, 5 वर्ष के बालक को
जंगल में भगवान को खोजना नहीं चाहिए, घर वापस चले जाओ, अस्त्र शस्त्र विद्या सीखो और युद्ध करके अपने पिता से महल ले लो। ध्रुव ने कहा, नहीं, मैं भगवान के पास जाऊंगा, मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जिस कारण से मेरे पिता ने मेरा त्याग किया है, मेरी माता का त्याग किया है, मैं भगवान के पास और भगवान से पूछूंगा यह सब बात। देवर्षि नारद ने कहा, तुम्हारे मन में भक्ति प्रबल है, अटल भक्ति है, इसलिए अटल अमल जब मन हो जावे तब ही प्रभु जी के दर्शन पावे। जब मन अटल होगा तब ही भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। रोज रोज जाइए मंदिर, भगवान का दर्शन थोड़ी ना होता है। हमने मैं एक बार कहीं गया मंदिर में, भगवान शंकर जी का मंदिर था, शिवरात्रि विरात्रि कुछ थी, 10-11 साल की बात हो गई। अब मैं गया मंदिर पर भगवान की पूजा करने, तो देखा वो 2-3 माताएं आई। अब वो पूजा कम कर रही, परपंच ज्यादा बतला रही। चढ़ तो रहा है भगवान को जल, कहे कल पार्टी में गई थी तो फलाने की दुल्हन को देखा था कैसे उनके साथ चिपक के खड़ी थी। चढ़ रहा है भगवान को जल और चर्चा, उनको तो छोड़ो, वो देखो कैसे कूद कूद के मंचई पे जा रही थी, जैसे बहुत सगी है। चढ़ रहा है भगवान को दूध और चर्चा, कल शादी में पार्टी की हो रही है। तो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं है। क्या है? नियम है, नियम होना चाहिए लेकिन नियम में भाव भी होना चाहिए। भगवान की पूजा रोज हो। मैंने एक प्रथम दिन कथा में कही थी ना बात को, कि लड्डू गोपाल की सेवा तो हो रही है लेकिन एक सेवा भाव से हो रही है और एक सेवा दिनचर्या से हो रही है। कि भैया लड्डू गोपाल जी हैं तो दिनचर्या है, स्नान कराना है, वस्त्र पहनाना है, दिनचर्या, तो जल्दी जल्दी क्यों भाई? हमने तो देखा उस दिन लेट हो रहे हैं तो लड्डू गोपाल एक ही लोटे में हर हर गंगे हो गया नहा लिए और खुद आधे घंटे सरे रगड़ रगड़ के नहाओ। हम तो जो देखते हैं वही कहते हैं, मानो सो अच्छा ना मानो सो अच्छा। भाव, भाव से भगवान, और ना मानो तो भगवान नहीं है। पूजो तो पत्थर, पूजो तो भगवान, और ना पूजो तो पत्थर है। आप लोगों ने मूर्ति बनते हुई नहीं देखी? गोपाल जी की मूर्ति बनते हुए देख लो तो गोपाल जी को घर में रखना बंद कर दोगे। मशीनों के सांचे से कैसे पैर मार मार के, है ना, धातुओं को पिघाल करके बनाया जाता है। वो मूर्तिकार की वह कला, मिट्टी की मूर्ति हमने जन्म से देखा बन चुकी। मेरा जहाँ जन्म हुआ जिस क्षेत्र में, वहाँ सुंदर कलाकार होते थे तो मिट्टी की मूर्ति बगल में बनती थी। हम सुबह से शाम तक इसी को देखा करते थे। मुझे मूर्ति बनने की क्रिया बहुत अच्छी लग, तो मूर्तिकार मिट्टी को पैर से मिट्टी को गुथता था। और आश्चर्य की बात, वह 10 दिन में बनी मूर्ति को पैर से गुथने वाला मूर्तिकार जब उसमें प्रतिष्ठा कर दी जाती थी तो वही साष्टांग लौटकर उसे ही प्रणाम करता था। तो कितने आश्चर्य की बात, खुद के पैर से गुथी हुई मूर्ति की आकृति बनते ही भाव आया तो वह भगवान हो गया। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, ध्रुव मंत्र ले लो। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी कोई मिलकर के कम से कम 1 मिनट तक इस मंत्र का पीछे पीछे जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम
नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी ने मंत्र दे दिया ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने भगवान की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। पहले महीने में ध्रुव ने 3-3 दिन के पश्चात केवल कंद मूल बैर आदि खा करके भगवान की तपस्या की। ध्यान देकर सुनिए, भगवान के भजन में सबसे बड़ा बाधक आलस्य है और आलस्य अन्य से आता है। असली बात आज बता रहा हूं शुभम, सुनो। अन्य कम खाने का कारण, भगवान के भजन में सबसे बड़ा आलस्य बाधक है और भोजन से आलस्य। इसलिए भोजन को कम करना ही आलस्य को भगाने का बड़ा माध्यम है। जो निद्रा जयी होगा वही भगवान का भजन कर पाएगा। ध्रुव ने सबसे पहले भोजन का त्याग किया और भोजन के बाद कंद मूल खाना शुरू किया। 1 दिन खाते, 3 दिन नहीं खाते, फिर 1 दिन खाते, 3 दिन नहीं खाते, फिर 1 दिन खाते, 3 दिन नहीं खाते। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया, भगवान नहीं आए। ध्रुव ने सोचा कंद मूल के कारण भगवान नहीं आते, इसलिए इसको छोड़ दो। दूसरा, भगवान के भजन में त्याग बड़ा महत्वपूर्ण है। त्याग, आलस्य छूटा तो फिर त्याग, क्योंकि त्याग जब तक नहीं आएगा तब तक भोजन नहीं छूटेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कल से खाना छोड़ दो तुम लोग, ये बात नहीं बोल रहा हूं, किंतु आहार शुद्ध हो। आहार बहुत बड़ी चीज है। आहार क्या खाएं, कब खाएं, किसके हाथ का खाएं, किसके हाथ का न खाएं, कब किस समय किन चीजों को खाएं, बहुत बड़ा कारण है। हमने तो आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया है, चरक आदि संहिता का अध्ययन किया है, तो आप भोजन का देखेंगे तो पता चलेगा इनके साथ इसको न खाएं, इस सब्जी के साथ इसको न खाएं, दूध के साथ इसको न खाएं, दही के साथ इसको न खाएं। आहार विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। भारतीय संस्कृति का विज्ञान कोई छोटा विज्ञान नहीं है, आहार विज्ञान। तो ध्रुव ने दूसरे महीने में 6-6 दिन में कंद मूल का त्याग कर दिया और केवल सूखे घास खाने लग गए। आज खाते फिर 6 दिन बाद खाते, फिर आज खाते फिर 6 दिन बाद, और भगवान का भजन करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब दूसरे महीने भगवान नहीं आए तो तीसरा महीना लगा। ध्रुव ने सोचा ये घास फूस के कारण भगवान नहीं आते, इसलिए इसको छोड़ दो। तो ध्रुव ने 9-9 दिन में केवल जल पीना शुरू कर दिया। तीसरे महीने भगवान नहीं आए तो ध्रुव ने सोचा जल के कारण भगवान नहीं आते, इसलिए जल छोड़ दो। सो ध्रुव ने 4th महीने 12-12 दिन केवल वायु ग्रहण करने लग गए। 12-12 दिन के पश्चात केवल वायु लेने लग गए। जब 4th महीने भगवान नहीं आए तो ध्रुव ने सोचा ये वायु भी भगवान के भजन में बाधक है, इसलिए वायु का त्याग कर दो। और यह बात सत्य है, अटल अमल जब मन हो जावे तब ही प्रभु जी के
दर्शन पावे। चार महीने तक ध्रुव का मन अटल नहीं था और अब अटल हो गया कि यह वायु की भी आवश्यकता नहीं है भगवान के भजन में। और जब मैं कल ही कह रहा था कि भाव जब भगवान पे ही अर्पण हो जाए तो पूरी तरह से अर्पण कर दो तो भगवान ही व्यवस्था बनाते हैं। ध्रुव ने एक पैर पर ध्रुव खड़े हो गए, वायु का त्याग कर दिया, दोनों हाथ ऊपर कर दिए और भगवान के ही तरफ शरण में चले गए। भगवान ही शरणार्थी, भगवान ही शरण दें, भगवान ही रक्षा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। ध्रुव के वायु रोकने का प्रभाव ये पड़ा, देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं की वायु रुक गई। गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी और तीनों लोकों में जितने भी लोग हैं सभी की वायु रुक गई, पृथ्वी की गति रुक गई, सूर्य का रथ रुक गया और घबरा करके देवता आदि भगवान के पास गए। प्रभु, ध्रुव की तपस्या को पूर्ण कीजिए, आप ध्रुव को दर्शन दीजिए, नहीं तो ध्रुव तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा। गति रुक गई, धरती की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, देवताओं की गति, मनुष्य, गंधर्व, पशुओं की गति। और भागवत कहता है भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं, भगवान भक्त का दर्शन लेने के लिए प्रकट हो गए। दर्शन लेने के लिए जाना पड़ता है, दर्शन देने के लेने के लिए, और देने वाला तो खड़ा रहता है। ध्रुव खड़े रह गए और भगवान अपने घर को छोड़ करके प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव समाधि पर लीन है। भगवान ने ध्रुव के अंतरकरण से वह चतुर्भुज धारण किए नारायण का प्रतिबिंब हटाया, नेत्र खुला ध्रुव का, सामने भगवान दिखे, साष्टांग प्रणाम करने लगा। भगवान ने ध्रुव को कहा, ध्रुव कामना से तपस्या कर रहे थे इसलिए 36,000 वर्ष का मैं तुम्हें राजपाट सौंप देता हूँ। इस धरती पर तुम 36,000 वर्ष तक के राजा बनोगे। ध्रुव रोने लग गया, आपके लिए यह तपस्या से पूर्ण कामना थी, लेकिन अब आपके प्राप्ति के बाद यह कोई कामना शेष नहीं रही। प्रभु, आपने पुनः मुझे मृत्यु लोक पर ढकेल दिया, यह कामना मुझे नहीं चाहिए थी। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम आनंद के साथ 36,000 वर्ष तक राज करो, तत्पश्चात मैं तुम्हें सप्त ऋषियों में ऊंचा स्थान ध्रुवलोक प्रदान करता हूँ। उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा चमकता है वह सप्त ऋषियों से ऊंचा स्थान श्री ध्रुव जी को भगवान ने प्रदान कर दिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। भगवान ने श्री ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी की यह सारी बातें जा करके नारद जी ने उत्तानपाद को बताई। उत्तानपाद ने शीघ्र ध्रुव जी के आगमन होते ही 5 वर्ष 5 महीने के ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर दिया। 36,000 वर्ष तक श्री ध्रुव जी ने राज्यपाट चलाया। ध्रुव जी के दूसरे भाई का नाम उत्तम था और उत्तम और ध्रुव में बड़ा प्रेम था। एक बार की बात है, श्री उत्तम जी युद्ध करने गए और उत्तम का यक्षों ने संहार कर दिया। यक्ष और उत्तम का युद्ध हुआ, उस युद्ध में उत्तम मारे गए। ध्रुव को बड़ा क्रोध आया और ध्रुव एक तरफ से यक्षों का विनाश करने लगे, यक्ष कुमारों को मारने लगे। भगवान स्वयं मनु प्रकट हो गए और मनु प्रकट होकर के ध्रुव को समझाने लगे, ध्रुव तुम भगवान के भक्त हो, इस नाते हिंसा आपको शोभा नहीं देती है। वह अपने कर्म के अनुसार बर गया, इसलिए युद्ध विराम करो। आगे चल के ध्रुव के वंश में ध्रुव के पुत्र का नाम हुआ उत्कल, उत्कल के पुत्र का नाम हुआ अंग, और अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। मृत्यु की पुत्री से भी कोई शादी करेगा क्या? लेकिन अंग नाम के राजा ने किया। परिणाम ये निकला कि उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम वेन पड़ा और वेन महापापी हो गया। चारों तरफ यज्ञ आदि कर्म को बंद करा दिया। महात्मा क्रोधित हुए,
महात्मा वेन को समझाने गए, वेन समझा नहीं तो महात्मा ने क्रोधाग्नि से राजा वेन का भी उद्धार कर दिया, राजा वेन का वध कर दिया। वेन का विवाह न होने के कारण कोई संतान नहीं था, राजा न होने के कारण प्रजा में और आतंक, चोरों का आतंक, लुटेरों का आतंक, अगल बगल राज्यवासियों का आतंक बढ़ने लग गया। महात्मा ने सोचा राज्य को चलाने के लिए कोई राजा चाहिए, किसे राजा बनाया जाए, वेन की तो कोई संतान ही नहीं हुई। तो कहने लग गए वेन के शरीर से संतान उत्पन्न करो, तो वेन के भुजाओं का, वेन के सर्वप्रथम जंघाओं का मर्दन किया, दोनों जंघाओं को घिसना आरंभ किया, तो उससे एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। महात्माओं ने कहा यह बालक हमारे किसी काम का नहीं, काला सा, बौना सा, नाटा कदका है। उसने पूछा कौन है आप, तो वह कहने लग गया, महात्माओं ने कहा आप निषाद हैं, आप हमारे किसी काम के नहीं। श्री रामचरितमानस में भगवान के परम मित्र निषाद राज की कथा आती है। यह श्री निषाद राज के प्राकट्य की कथा श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है। भगवान श्री हरि नारायण और लक्ष्मी का ध्यान करके राजा वेन के भुजाओं का मंथन हुआ, तो एक भुजा से भगवान श्री पृथु प्रकट हुए, नारायण भगवान पृथु रूप में और माता लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुए। बोले पृथु देव भगवान की, भगवान श्री पृथु और अर्ची सगर्भा एक ही गर्भ से उत्पन्न नहीं होने के कारण इन दोनों का विवाह संस्कार पूर्ण हुआ और भगवान इस धरती के राजा नियुक्त हुए। इन भगवान के कारण इस धरती का नाम तब से पृथ्वी पड़ गया। महाराज पृथु राजा हुए तो धरती का नाम पृथ्वी हुआ। यह मैंने संपूर्ण कथा आपको संक्षिप्त में उत्तानपाद के वंश की बताई। अब आपको कथा सुना रहे हैं प्रियव्रत के वंश की। प्रियव्रत परम प्रतापी था, इसलिए प्रियव्रत के वंश में भगवान का जन्म हुआ। क्योंकि भगवान के नाना प्रकार के जन्मों की कथा पूछा राजा परीक्षित ने, इसलिए राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान के 24 अवतारों की कथा बता रहे हैं। और अंतिम में जब भगवान कृष्ण की कथा के विषय में पूछेंगे, तो कल तो भी कथा में भगवान कथा के अंतिम में हम लोग भगवान कृष्ण का जन्म की कथा सुनेंगे, परसों से फिर भगवान की बाल लीलाएं आदि लीलाओं की कथा आप सब श्रवण करेंगे। प्रियव्रत ने तपस्या किया और श्री प्रियव्रत की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा प्रियव्रत आप विवाह करें। प्रियव्रत ने कहा प्रभु किससे, तो कहने लगे भगवान विश्वकर्मा की पुत्री वाहिष्यमती, भगवान विश्वकर्मा की पुत्री वाहिष्यमती है और वाहिष्यमती से आप विवाह करें। प्रियव्रत ने वाहिष्यमती के साथ विवाह किया। प्रियव्रत के यह विवाह, प्रियव्रत ने भगवान के कहने पर वाहिष्यमती के साथ विवाह किया। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्नित्र के पुत्र हुए नाभिक और नाभिक के पुत्र हुए भगवान श्री ऋषभदेव। स्वयं भगवान ऋषभदेव भगवान विष्णु के ही अवतार थे। चूंकि प्रियव्रत को भगवान ने कहा था तुम्हारे वंश में मेरा जन्म होगा, इसलिए भगवान विष्णु ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। बोले ऋषभदेव भगवान की। भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज से ही जैन धर्म चलना आरंभ हुआ। श्री ऋषभदेव जी से ही जैन धर्म की स्थापना हुई। भगवान श्री ऋषभदेव की 100 संतानें, उन 100 संतानों में सबसे बड़े संतान का नाम भरत है। ये राम वाले भरत नहीं, ये दूसरे भरत, जिनके शासन के कारण इस देश का नाम भारत पड़ गया। भरत, भगवान श्री ऋषभदेव परमहंस हो गए, उन्हें समस्त कामना से वह मुक्त हो गए, इसलिए राज्यपाट का त्याग करके वह चले गए। और राज्यपाट त्याग करके भगवान श्री ऋषभदेव जी गए, राजा भरत राजा हुए और राजा भरत सुंदर राजपाट चलाने लगे।
राजा भरत सुंदर राज्यपाट को चलाने लग गए। एक बार की बात है, राजा भरत के मन में भी विचार आया, कि हमारे पूज्य पिताजी भी समय रहते भगवान की तपस्या करते हुए देह का त्याग कर दिए, इसलिए हम भी राज्यपाट को त्याग दें। श्री भरत जी ने राज्यपाट को त्यागा और अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया। ध्यान दे करके अब इस कथा को सुनिए। राजा सुमति राजा हो गए, भरत जी जंगल चले गए और श्री भरत जी वन में रहने लग गए। एक बार की बात है, संध्या वंदन करने के लिए श्री भरत जी एक नदी के तीर पर गए। उन्होंने एक आश्चर्य की घटना देखी। नदी के तीर पर श्री भरत जी ने देखा एक हिरणी के पीछे, गर्भवती हिरणी के पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है। सिंह का कार्य है हिरणी को खाना। हिरणी अपने प्राणों की रक्षा को लेकर दौड़े आ रही और दौड़ते दौड़ते नदी के उस तट पर पहुंच गई। पीछे हिरण है, आगे तिब्य धारा पर बहने वाली नदी है। हिरणी चिंतन करने लग गई, मैं छलांग लगाऊं कि न लगाऊं, लगा पाऊंगी कि नहीं लगा पाऊंगी, नहीं लगाई तो सिंह खा जाएगा और लगाया तो यदि डूब गई तो नदी में बहने का भी कारण हो सकता है, लेकिन पीछे तो मृत्यु निश्चित है, आगे का पता नहीं। इसलिए हिरणी ने जोर से दम लगा करके छलांग लगाई, प्रसव की क्रिया हुई और गर्भ जल में ही गिर गया। हिरणी तो पार हो गई, जल में गर्भ गिर गया। प्रसव की पीड़ा के कारण उस पार हिरणी पहुंची और पीड़ा के कारण पीड़ा का सहन न कर पाई और हिरणी का अंत हो गया। राजा भरत उस स्थान पर सब कुछ देख रहे थे। श्री भरत जी के मन में बड़ी ममता जगी और ममता जगने के कारण श्री भरत जी ने वह जल पर गिरे हुए हिरण के बालक को जल से निकाला और गोद में ले आकर आश्रम ले आए। छोटा सा जन्म लेने वाला बालक, छोटा सा हिरण और छोटे से हिरण में ममता हो गई भरत जी को। कैसी ममता है भरत जी को, अब भरत जी पूजा करते हैं लेकिन ध्यान हिरण के बच्चे पर रहता है। माला जपते हैं, ध्यान हिरण के बच्चे पर रहता है। ठाकुर जी की आरती उतारते हैं, ध्यान हिरण के बच्चे पर रहता है। चिंतन करने लगे और समय बीतता गया। हाथ से दूध पिलाते गए, अपने हाथों से नरम नरम घास खिलाते गए और समय तो देखो भैया सबका बलवान है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। मृत्यु कब किसके सिर पर चढ़ जाए कोई नहीं जानता। राजा भरत जो महात्मा हैं उनके समक्ष भी काल आ गया, मृत्यु आ गई और मृत्यु जब प्राणों का हरण करने लगा, भरत जी की माला छूट गई। भरत जी का भगवान का ध्यान छूट गया और मरते मरते ध्यान कहाँ चला गया पता है? हिरण में चला गया। मेरे मरने के बाद हिरण का क्या होगा? मेरे मरने के बाद हिरण को कौन रखेगा? मेरे मरने के बाद घास कौन खिलाएगा? मेरे मरने के बाद ये कौन करेगा? मेरे मरने के बाद वो कौन करेगा? अच्छा एक बात बताओ, किसी के मरने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो भूखे मरता है। देने वाले भगवान, भगवान ही व्यवस्था बनाते हैं। एक प्रश्न पूछता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना। आपके बाप बाबा ने आपको जैसा घर दिया था, आप वैसे घर में हो या उसको तोड़ फोड़ करके चेंज कर दिए? बताओ,
सब बदल गया ना, तो क्या गारंटी है आपके मरने के बाद आपके बेटे उस घर पे रहेंगे? जब आपने अपने बाप दादा के घर को तोड़, और आपके बाप दादा ने क्यों घर बनाया था? कि हमारे बेटे नाती उस घर पे रहेंगे। लेकिन बाप दादा के जाते ही बेटे नाती ने घर तोड़ा कि भैया हमारे बेटे रहेंगे, और आपके जाते वो घर तोड़ेंगे कि भैया हमारे बेटे ना, और पूरा जीवन घर तोड़ना और घर बनाना, पूरा जीवन यही, घर तोड़िए घर बनाइए, घर तोड़िए घर बनाइए, घर तोड़िए घर बनाइए, पूरा जीवन इसी में पार हो जाता है, घर तोड़ना घर बनाना, घर तोड़ना घर बनाना, समय खत्म हो जाता है। यमराज आ जाते हैं, और यमराज जब प्राणों का हरण करता, आदमी मरने लग जाता, तब भी हाय 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 हमारे मरने में जा रही हूं जा रहा हूं, अब क्या होगा तब क्या होगा। और तो और लोग ये भी कह देते हैं, आज हम हैं तो खाना मिल रहा है, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे लोग कहते हैं। आज हम हैं तो हो रहा है, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोई किसी के भरोसे नहीं है भैया, सारे संबंध स्वार्थ के हैं, एकदम क्लियर कट समझ लो, सबको सारे संबंध स्वार्थ से निहित है, बुरा ना मानना, संबंध में यदि पूर्णता नहीं होती, संबंध पूरा होता नहीं दिखता है, स्वार्थ पूरा हुआ नहीं दिखता है, तो पति पत्नी में भी तलाक हो जाता है। स्वार्थ यदि पूरा ना हो तो हमने देखा पति पत्नी में तलाक, बुरा मानने वाली सत्यता है, दुनिया के सारे संबंध स्वार्थ पर हैं, बाप का बेटे से स्वार्थ, माँ का बेटे से स्वार्थ, पिता का बेटे से स्वार्थ, बेटे का बाप से स्वार्थ, अड़ोसी का पड़ोसी से स्वार्थ, सबका एक दूसरे से स्वार्थ है, किसी का अच्छा स्वार्थ किसी का खराब स्वार्थ, कुछ भी हो बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं है। हमने तो देखा जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो लोग रिश्तेदार को फोनों तक नहीं करते, आज दीपावली है, गलत कह रहा हूं, सत्यता है। जब तक स्वार्थ हो चल रहा था, और दीदी और दीदी और दीदी और दीदी, और उसके बाद दीदी घर आ गई तो दीदी के आते ही घर का मुंह भगोने जैसा फूलने लग जाता है, स्वार्थ हो गया, बुरा मानने वाले, सत्यता है, सारे संबंध कलयुग में स्वार्थ निहित ही है, इसलिए इस सत्यता को समझें, कोई नहीं है, सबको कैसे जाना है, अकेले ही जाना है। जो जैसा आया है सब अकेले जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, मुट्ठी बांध के आने वाला हाथ पसारे जाएगा। मरा हुआ आदमी यदि मुट्ठी बांधे रहता है तो लोग जबरदस्ती खोल लेते हैं, खोल दो अब मर गया है, और बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध के, और मर जाए तो आदमी जबरदस्ती खोलो हाथ खोलो, बंधन नहीं होना चाहिए बंधन, और बंधन क्या, मरते मरते इतना बंधन ही तो ले गया, भरत जी का शरीर छूटा तो बंधन ले गए हिरण का, इसलिए अगला जन्म भगवान का भजन करने के बाद भी हिरण का हो गया, हिरण योनि में जन्म ले लिए। इसलिए सुनो, जरूरी नहीं जीवन भर पुण्य कमाओ तो अगला जन्म मनुष्य का ही हो जाएगा,
मरने के समय भी क्या विचार से मर रहे हो यह भी मायने। दूसरी समझने की बात, ऐसा भूल कभी मत पालना कि बुढ़ापे में भगवान का भजन होगा। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे दर्शन तुम नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे दर्शन फिर नहीं कर पाओगे। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे दर्शन तुमने। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे तीर्थ कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है। बुढ़ापे के चक्कर में जो रहेगा वो पड़ा रहेगा जन्म मरण के चक्कर में। इसीलिए आदत अभ्यास बहुत जरूरी है। अगला जन्म सिंह हिरण का हुआ लेकिन पूर्व जन्म का प्रारब्ध होने के कारण वह जीवन से जल्दी मुक्त हुए। पुनः शरीर धारण हुआ। ब्राह्मण कुल में गरीब खानदान में जन्म हुआ। गरीब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन भगवान के इतने भक्त हुए कि धरती पर चलते हुए भी एक एक कीट पतंग को देखकर पैर रखते। लोग उनका पागल हो गया, निकाल दो इसको, कोई काम का नहीं, ये चलता ही नहीं है, खा खा के मोटा हो गया। अब भरत जी सोचे हम चलेंगे तो कीड़े मरेंगे, चींटी ना मर जाए, कीड़े ना मर जाए। इस भाव से लोगों ने घर से निकाल दिया। दरवाजे सड़क के किनारे पड़े रहा करते थे। वही जो हिरण राजा भरत के समय था, राजा के साथ रहने के कारण मृत्यु हुई। राजठाही में जीने की आदत, सो अगला जन्म राजा का हो गया। राजा रहुगुण नाम पड़ा और रहुगुण राजा जब बने तो उन्हें एक दिन विचार आया कि मैं गुरु बनाऊं। गुरु खोजने के लिए निकले और किस पे निकले, पालकी पर निकले। गुरु खोजने पालकी पर निकले, पालकी चार लोगों ने उठाई और चलते 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 पालकी उठाने वाले थक गए। देखा एक मोटा तगड़ा आदमी सड़क पे पड़ा हुआ है। एक ने कहा भैया देखो इसको बुलाओ, सो एक आराम कर लेगा, फिर धीरे से दो लगेगा तो दूसरा आराम करेगा, दूसरा लगेगा तो तीसरा, इसलिए इसको बुलाओ, पागल लगता है और पागल कामों कर लेगा, मोटा तगड़ा है ये। बुलाए, श्री भरत जी गए, पालकी थमा दी। भरत जी ने पालकी ले ली, कुछ बुढ़ाना कुछ नहीं कहा। पालकी जब चलने लगी तो तीन लोग एक चाल पर चले, भरत जी दूसरी चाल पे चले। वो चींटी देखें फिर एक कदम रखें,
फिर चींटी देखें, फिर दूसरा। तो परिणाम ये निकला कि तीन लोग के चाल अलग और एक की चाल अलग होने के कारण पालकी कभी आगे, कभी पीछे, कभी नीचे, कभी ऊंचे। रघुगुण राजा को क्रोध आया, पालकी अस्थिर हो रही है, ठीक से नहीं चलती है। क्रोध में आकर कहने लगे, कौन उठा रहा है पालकी? तीन सेवकों ने कहा, नया सेवक आया है। राजा ने कहा, मेरे प्रताप को नहीं जानते, सही से पालकी चलाओ अन्यथा मृत्यु दंड दे दूंगा। जड़ भरत जी मुस्कुराकर कहने लग गए, कौन मार सकता है? आप राजा मार नहीं सकते मुझे। क्यों? क्योंकि मारने वाला भगवान है, भगवान के हाथों पर मृत्यु लिखी हुई है। जड़ भरत ने यह बात कही, राजा रघुगुण को लगा कोई विद्वान दिखता है, रथ और पालकी रुकवाया, चरणों पर गिर गए जड़ भरत के। जड़ भरत ने कहा, उठो राजा उठो, पूर्व जन्म में तुम हिरण और देखो मैं महात्मा हुआ करता था, परिणाम ये निकला कि आज तुम राजा और मैं सड़क पे ठोकर खा रहा हूं। इसलिए भगवान का भजन ही एकमात्र साधन है। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना। हो सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगी। छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, हो छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, ए मिट्टी का तू, सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू, सोने के सामान है तेरे, ए मिट्टी का या मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हो सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ओ धन दौलत से खाली होंगे एक दिन तेरे हाथ, धन दौलत से खाली होंगे एक दिन तेरे हाथ, अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ, अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ, उस दिन तुझको भागवत की याद आएगी, याद आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हो सज धज कर जब मौत की सहजादी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
हो अच्छे किए थे कर्म तूने पाया मानव तन। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन, पापों में क्यों डूबा है रे पापी चंचल मन। पापों में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। पाप की नैया जिस दिन तुझको डुबाएगी, तुझको डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये पाप की नैया जिस दिन डुबाएगी उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। बड़े बड़े पैसे वाले लोग कोरोना में मर के चले जा रहे हैं, यहीं का यहीं धरा रह गया। ऐसा हम नहीं बोल रहे पैसा मत कमाओ, पैसा कमाओ, नहीं कमाओगे तो घर परिवार कैसे चलाओगे, लेकिन भगवान का भजन भी नहीं छूटना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, अंतिम समय भगवान का स्मरण करने से भी मुक्ति होती है क्या? कहने लग गए, बिल्कुल मुक्ति होती है, अंतिम समय भी भगवान का ध्यान कर लिया जाए तो मुक्ति हो जाती। कहने लग गए, कन्नौज नाम का नगर है और इस कन्नौज नाम के नगर में 10 पति ब्राह्मण रहते हैं। उन 10 पति ब्राह्मण का नाम अजामिल है। अजामिल नाम का यह ब्राह्मण बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ पूजन आदि में जाता था, पूजन में पिता के साथ साथ जाता था। एक दिन की बात है, अजामिल पूजन के सामग्री लेने के लिए वन में गया। वहां एक वैश्या के साथ कुसंगत करते हुए अजामिल ने देखा, मन में कामना जग गई। और मन में कामना जब जगी तो कामना के फल स्वरूप कामना करने का काम का वास हुआ, कामना करने का मन जग गया। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं, गलत काम इच्छा होते हुए भी एक बार भी नहीं करना, क्योंकि वह संस्कार बनता है, फिर वह बार बार करने का मन हो जाता। अजामिल ने वैश्या के साथ विवाह कर लिया और वैश्या भी ऐसी भगवान की भक्तिन नहीं थी। अजामिल का पूजा भजन सब चौपट हो गया। अजामिल अपनी पत्नी वैश्या के ही पक्ष रहने लग गया, उनके साथ ही रहने लग गया, चोर हो गया, धुंधकारी जैसा अजामिल का स्वभाव हो गया। 8 पुत्र हो गए अजामिल को, गांव वाले परेशान हो गए अजामिल से। एक दिन कुछ महात्मा यात्रा कर रहे थे गांव में, तीर्थ के लिए प्रस्थान करना था, भिक्षा मांग रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, इन्हें अजामिल के घर भेज दो, अजामिल के घर से भिक्षा तो मिलेगा नहीं और अपमान होगा, अपमान होने के कारण महात्मा श्राप दे देंगे और श्राप का परिणाम निकलेगा, अजामिल की मृत्यु हो जाएगी और गांव वालों से अजामिल मुक्त हो जाएगा, हम सब छूट जाएंगे, अजामिल के यह तंग, अजामिल के यह पाप से हमारा संपूर्ण गांव मुक्त हो जाएगा, हम त्रस्त हो गए अजामिल से। महात्माओं को अजामिल के घर भेजा, अजामिल घर पर नहीं था, महात्माओं ने आवाज लगाई, भिक्षा हम दे ही। अजामिल की पत्नी निकली, देखा महात्मा, कहने लगे, देखो महात्मा हम भिक्षा नहीं दे सकते, क्यों? चूंकि मैं वैश्या हूं। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, हमें लोगों ने आपके पास भेजा है, आप भोजन नहीं करा सकते तो सूखा प्रसाद दे दें, हम घर के बाहर ही बना करके पा करके चले जाएंगे। अजामिल की पत्नी ने प्रसाद दिया, उधर से अजामिल आया, देखे भैया दरवाजे तो महात्माओं का तंबू गड़ गया है और हम महापापी, हमारी पत्नी वैश्या और हम डाकू लुटेरे और दरवाजे महात्मा भिक्षा मांगने वाले, चोर के घर में भिक्षा कौन देगा,
गुस्से में आजामी लाया, उड़ो अपनी झोली झंडी हटाओ यहाँ से, कहाँ से आ गए तुम लोग। और जोर की आवाज हुई तो अजामिल की पत्नी ने सुन लिया, बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली कहने लग गई, क्या हुआ, क्या बात हो रही है। अजामिल को लगा हमारी पत्नी ने ही आश्रय दिया है। सो पत्नी के सामने तो शेर भी चूहा बन जाता है, पत्नी के सामने शेर। हम अक्सर एक जगह चुटकुला कहा करते हैं, एक बार एक शेर की बारात निकली, भोलू कहां चले गए। एक बार एक शेर की बारात निकली, सुनो भोलू। अब शेर की बारात निकली, उस शेर के बारात शेर भैया बढ़िया दुल्हा बन करके सेरा लगा करके आओ बग्गी पर बैठा हुआ है, और शेर की बारात में आगे आगे चूहा नाच रहा है। शेर को बात अच्छी नहीं लगी कि ये कौन नाचने वालों को बुक किया। शेर ने कहा, क्यों चूहा, तुमको डर नहीं लगता है, मेरे सामने नाच रहे हो। ऐसे ही दो दिन से मैं भूखा हूं, दुल्हा बना हुआ हूं, लोग खाना नहीं दे रहे हैं, दुल्हा को खाना नहीं खिलाया जाता है, वो तो जयमाल और वलमाला पता नहीं क्या क्या माला होता है, फिर खाना खवाई होता है, अब वो भी कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है। चूहा ने कहा, क्यों भैया शेर राजा, सही से देखो, हम भी शेर ही हैं। चूहा ने कहा, कहां शकल से शेर दिखते हो, ऊपर से नीचे चूहा ज्यादा करोगे, फुदक रहे हो, अभी खा जाएंगे। चूहा ने कहा, चिंता नहीं करो, हम शेर ही हैं। कहने लगे, शेर दिख तो चूहा रहे। कहने लग गए, क्या बताएं, यही तो दुर्भाग्य तुम्हारे साथ भी होने वाला है, शादी से पहले हम भी शेर ही दिखते थे, और शादी भाई तो हम चूहा दिख रहे हैं। चिंता ना करो, आज तुम शेर हो और कल से तुम हूं फुदकने लग जाओगे। हाँ बोलो, समझ गए ना हम क्या मंत्र दे रहे हैं, तुम समझ गए। हाँ अब रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अजामिल पत्नी को देख करके शांत हो जाता, महात्मा समझ गए इसकी चूड़ी पत्नी के पास है, पूरी दुनिया अजामिल से डरती है लेकिन अजामिल पत्नी से डरता है। भोजन खाया, प्रसाद पाया, महात्मा ने कहा, देखो अजामिल पापी है, और पाप का हमने भोजन खाया, उसका कुछ उपकार न करके जाएं तो हम महात्मा कैसे हैं। आवाज लगाई, भिक्षाम दई, भिक्षाम दई। अजामिल निकला, कहने लगे, देखो हम महात्माओं का नियम है, खाना खाते तो दक्षिणा जरूर लेते हैं, हम खाना खाते तो दक्षिणा जरूर, इसलिए दक्षिणा चाहिए, हम भोजन कर रहे हैं हमें दक्षिणा अवश्य चाहिए, भोजन कर रहे हैं हम दक्षिणा अवश्य लेंगे। अजामिल ने कहा, दक्षिणा अब ही लाठी डंडा मारेंगे सब दक्षिणा निकल जाएगी, हम चोर हैं, चोरी करके पैसा ला रहे हैं, तुम हम ही से दक्षिणा मांग रहे, जितनी झोले झंडे में दक्षिणा होगी वो सब हम ले लेंगे, जितना झोली झंडे में दक्षिणा होगा वो सब हम लेके रख लेंगे। अजामिल की जैसे ही बकझक साधु संतों के साथ होने लग गई, और साधु संतों के साथ जैसे बकझक हुआ, अजामिल की पत्नी फिर दरवाजे से बाहर आई, घर से बाहर आई, कहने लगी, क्या हुआ। अजामिल ने कहा, कोई बात नहीं, हम तो प्रणाम पाती कर रहे थे। महात्माओं ने कहा, हम प्रणाम पाती नहीं कर रहे थे, हम जा रहे हैं, अब हम साधु हैं, साधु भोजन के बाद दक्षिणा लेता है, सो दक्षिणा मांग रहे हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा, दे दो दक्षिणा, दे दो, इन्हें विदा कर दो। महात्मा ने कहा, हम धन की दक्षिणा नहीं लेंगे, तुम्हारी पत्नी सगर्भा है, गर्भ को धारण किए हुए है, इसलिए एक ही हमें दक्षिणा चाहिए, जो यह पुत्र होगा इस संतान का नाम नारायण रख देना, नारायण नाम का दक्षिणा। नवी संतान हुई, अजामिल ने नवी संतान का नाम नारायण रख दिया।
समय बीता और अजामिल का भी राम राम सत्य होने का दिन आ गया। यमदूत अजामिल के प्राणों का हरण करने लग गए। घर पर कोई दिखाई नहीं दिया। पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी नहीं। बच्चों को आवाज लगाई, बच्चे नहीं। छोटे बालक से अति प्रेम था, जिसका नाम नारायण था। आवाज लगाई, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। दो बार कहा तो बचपन याद आ गया, पिता के साथ नारायण के मंदिर जाया करता था। अरे बचाने वाले तो पालनहर्ता स्वयं भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ हैं। और तीसरी बार भगवान नारायण का ध्यान करके पुकारा तो भागवत कहती है भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके यमदूतों के साथ युद्ध करके अजामिल को पुनः जीवन दान मिल गया। 6 महीने तक अजामिल जीवित रहा, जम करके भगवान का भजन किया। और अजामिल अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी होते हुए भी मुक्त हो गया। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भगवान सुखदेव जी कि अंतिम समय भी यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो उद्धार हो जाता है। लेकिन अंतिम समय कब आएगा? जब प्रारब्ध होगा। अजामिल का तो प्रारब्ध था बचपन का, और हमारा प्रारब्ध है फेसबुक का, व्हाट्सएप का, बच्चों का प्रारब्ध है यूट्यूब का। तो भैया बुढ़ापे में तो यही दिखाई देगा, इसीलिए बच्चों को मंदिर ले जाएं, बच्चों को तीर्थ यात्रा कराएं, बच्चों को भगवान का नाम जपवाएं, बच्चों को भगवान के समक्ष रखें। क्यों? क्योंकि उनके बुढ़ापे में यह प्रारब्ध बनेगा। यदि आप माता पिता हैं तो इसका ध्यान रखें। शेष कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल की कथा यहीं से सप्तम स्कंध की कथा हम लोग आरंभ करेंगे। हिरणाक्ष प्रहलाद की कथा कहना था, लेकिन आज थोड़े विलंब से कथा शुरू हुई, तो कल प्रहलाद की कथा, श्री वामन भगवान की कथा, भगवान सूर्यवंश की कथा का आरंभ करेंगे। सूर्यवंश में भगीरथ आदि की कथाओं के साथ भगवान रामचंद्र जी का अवतरण, और कथा के अंतिम में कल हम लोग भगवान कृष्ण का अवतरण करेंगे। तत्पश्चात फिर आगे जैसे जैसे क्रम चलेगा बताते चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा प्रभु को जगावे। 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 गोपाल जागो अब नैन खोलो। 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 द्वारे खड़े लोग बुला रहे हैं। द्वारे खड़े लोग बुला रहे हैं। हे
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, अरे भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। रावण बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। आरती प्रसाद लेकर के सभी अपने यथावत कार्य घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। पंखा बंद।